Thank you.
आने वाली जनरेटर चलने वाला है, जल्दी ही हरी कथा और कीर्तन होएगा। जय बने रहिए। जो लोग लाइव देख रहे हैं, आज बहुत बहुत शुभ पावन उत्सव है, श्री जगन्नाथ जी की स्नान यात्रा का उत्सव यहाँ पे मनाया जा रहा है बड़ौत में। और जल्दी ही श्री गुरुदेव भक्तिवेदांत श्रीधर महाराज जी जल्दी हरी कथा करेंगे बड़ी सुंदर जगन्नाथ जी के ऊपर, इसलिए आप सभी लोग बने रहिए, लाइव देखते रहिए।
सब लोग जो लाइव देख रहे हैं ध्यान से देखिए, आज जगन्नाथ जी का स्वरूप है ना, गणेश जी का स्वरूप दिया गया है आज जगन्नाथ जी को, जगन्नाथ जी को, बलदेव जी को, ये जो बोलते हैं गणेश स्वरूप। आज लाइट चली गई, इन्वर्टर भी दो में एक है, एक में नहीं।
ढोलक छत पर नहीं होंगे दीदी छत पर इसको कि तुम लोग हरे कृष्ण आवाज आ रही है कितना दर्द का आ रहे हरे कृष्ण हरि बोल हरे कृष्ण हरि बोल हरे कृष्ण जो आप लोग लाइट एक पकड़ रखे ना अगर इधर से कर दो आप लोग दिखेंगे और इधर दोनों तरफ से देखेंगे ठीक हरे बोले गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद बोले गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय 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 राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण बोल राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण बोल गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय 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 राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा हरे राम 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 हरे 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 बोल हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा सब ताली बजाते हुए हरे राम 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 हरे 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 राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरि बोल हरि 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 बोल हरि बोल
बोल हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल नितय गौर हरि बोल हरि बोल तो गोटे कथा कहीदि कथा कहीदि जगन्नाथ से कथा कहीदि हरि आ गोटे माइक नहीं दु हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल नीता आ गोटे सहित माइक अच्छे ओ माइक नहीं माइक माइक दे कड़ा करी कौन कर सनातन कड़ा करी कौन कथा कर जाते हरे कृष्णा हाँ आज जगन्नाथ जी की स्नान यात्रा है अभी ये जगन्नाथ जी की स्नान यात्रा किया है जगन्नाथ जी का स्नान यात्रा क्यों होता है आप लोगों ने ठाकुर देखा है कौन कौन ठाकुर देखा हाथ उठाओ आप बताओ ठाकुर जी आज कैसे दिख रहे हैं बताओ आप लोग बताओ कैसे ठाकुर दिख रहे थे गणेश जी का वैसे है ये हाथी का वैसे गणेश जी का वैसे ये जगन्नाथ जी क्यों ये हाथी गणेश जी का वैसे हुआ और हमारे श्री श्यामानंद प्रभु जी बहुत कष्ट करके जो ड्रेस देख रहे हैं ना पूरा जैसे जगन्नाथपुरी में हैं जगन्नाथ जी को जिस बेस में बेस किया गया है इन्होंने पूरा ठीक खोलो उसको क्यों उसको बंद कर रखे हो खोलो उसको अरे थोड़ी देर बाद में भोग लगा था ना ठाकुर खा लेंगे हरे कृष्ण ये देखो जगन्नाथ जी की ये जगन्नाथ जी गणेश वैश जगन्नाथ जी के हैं जगन्नाथ जी गणेश वैश और जगन्नाथ जी हाथी वैसी हुए इसका क्या रहस्य है प्रभु जी बहुत कष्ट किए और जितने फूल फूल मंगा करके फूलों की माला बना करके कल से बना रहे और 3 दिन से तो ये अरेंजमेंट कर रहे थे हैं जगन्नाथ जी को 3 दिन 15 दिन से देखो उनको सर के ऊपर देखो हाथी का जैसे ना कान जैसे देखो हैं श्री जगन्नाथ जी को देखो बलदेव प्रभु को देखो हाथी का जैसे बड़े बड़े कान है ठाकुर जी की और उनका सूट देखो इसका क्या रहस्य है आज जगन्नाथ जी ये वेश क्यों धारण करते हैं श्यामानंद प्रभु बहुत कष्ट करके सब वेश किया है अभी प्रभु जी आपको इसी विषय में थोड़ी सी ये हरि कथा सुनाएंगे श्री श्यामानंद महाराज केड़ा सा क्लियर कहो एम बुझे सरल सरल भाषा ओम ज्ञान तिमिरांध्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै शिवगुरवे नमः बाह्यकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुरेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो जय श्री कृष्ण चैतन्य दयाल प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव शाद शिवोरवंदवृंद हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे और एक बार जोर से बोलो सबसे पहले गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर तथा श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रीधर गोस्वामी गुरु महाराज जी के चरण साष्टांग प्रणाम दर्शन करें तभी गोपाल तत्पश्चात परम गुरुदेव भक्तवृंद वैष्णववृंद उपस्थित समस्त कथा श्रवण कार्य भक्तवृंद चंद्रवादन का गुरुदेव बता रहे थे योग्यता विचारी किछु नाही पाए तुमार करुणा सार करुणा नाहेले कांदिया कांदिया प्राण ना रखिवार हम बद्ध जीव के जिस प्रकार का योग्यता नहीं है फिर भी गुरु क्या करते हैं अपने
शिष्यों के प्रति उसी प्रकार का उत्साह, उसी प्रकार का सेवा सेवामयी भाव को शिष्य के हृदय में प्रकाशित करते हैं। ये तो गुरुदेव की महानता है कि शिष्य भी गुणगान करते हैं, लेकिन हमारा इतना सामर्थ्य है नहीं, लेकिन योग्यता विचार किसी ना कहीं तुम्हार करुणा सा गुरुदेव करुणा कृपामय करते हैं। इसलिए जितने भी श्रृंगार हो रहा है, सेवा पूजा हो रहा है, अन्य इसका सबका सब क्रेडिट गुरुदेव के ही है। विशेष करके अगर हम तो आज एक विशेष स्थिति है, हम सब देख रहे हैं कि श्री ठाकुर जी हाथी वेश में बड़े सुंदर रूप में हमारे उड़ीसा में विशेष रूप में दर्शन देते हैं। हमारे उड़ीसा में श्री जगन्नाथ जी है, और हर जगह जहाँ पर भी देवालय है, जहाँ पर भी विशेष रूप में मंदिर है, वहाँ देखना कि जो मूल विग्रह है वो कभी बाहर नहीं निकलते, जो मूल ठाकुर जी है वो कभी भी बाहर नहीं निकलते हैं। लेकिन जगन्नाथ जी ऐसे एक विग्रह है, ऐसे एक ठाकुर जी जो साल में एक बार भक्तों के ऊपर पतित पावन करने के लिए, पतित पावन नाम है उनका, भक्तों को कृपा करने के लिए स्वयं स्वयं जो जगन्नाथ जी का जो मूल विग्रह वो स्वयं साक्षात रूप में बाहर आते हैं। देखना अन्य अन्य मठ में, अन्य अन्य मंदिरों में, अन्य अन्य देवालयों में जितने भी धाम आदि है, वहां पे ठाकुर जी का मूल विग्रह तो रहते हैं द्वारिका मथुरा आदि धाम में, अयोध्या आदि धाम में, लेकिन जब प्रकट उत्सव आदि होता है कुछ उत्सव में ठाकुर जी का एक छोटे विग्रह चलंती विग्रह, उसी विग्रह को लेके आदि यात्रा आदि करवा जाता है। लेकिन विशेष करके जगन्नाथ जी ऐसे एक विग्रह है जिनको बड़े सुंदर रूप से ठाकुर जी क्या करते हैं, साल में एक बार भक्तों को दर्शन देने के लिए आते। ये एक जगन्नाथ जी का एक विशेष महिमा है। दूसरी बात है कि एक दक्षिण के गणपति भक्त थे, गणपति भक्त मतलब जो शिव जी के उपासना करते हैं वो सैव, और जो दुर्गा देवी के उपासना करते हैं वो शास्त्र, और जो लोग गणेश जी की उपासना करते हैं, गणेश जी में अनन्य भक्ति रखते हैं, गणेश जी सर्वज्ञ हैं, गणेश जी को ही सब कुछ मानते हैं, उन सब भक्त को गणपति भक्त बोलते हैं। तो ये गणपति भक्त थे जो गणेश जी में अनन्य निष्ठा था, गणेश जी में अनन्य भक्ति थी। तो एक समय की बात है, उनको पता चला कि नीलाचल नीलाद्री क्षेत्र में श्री जगन्नाथ जी विराजमान है, तो जिस प्रकार श्री जगन्नाथ जी विराजमान है दर्शन करने के लिए जगन्नाथ जी को दर्शन करने के लिए निराचल पुरी पुरुषोत्तम धाम पे आते हैं। अब दर्शन करने के लिए तो आते हैं, लेकिन जैसे ही दर्शन करते हैं पूछते हैं कि इस प्रकार का विग्रह तो अद्भुत है, हमने हर तरीके के विग्रह जैसे देखा कि जैसे गणेश जी हो वो लड्डू पकड़ के बैठे हैं, और शिव जी त्रिशूल धारण करके, दुर्गा देवी भी अपने अपने आयुध के साथ बैठे हैं, एक एक आइडेंटिफिकेशन है। लेकिन जो जगन्नाथ जी है बड़े सुभद्रा, इस प्रकार का विग्रह नहीं देखने में मिलता ही नहीं, बड़े बड़े आंख, बड़े बड़े मुंह, अद्भुत देखने में, अपने आप में भी चमत्कारिता है। तो इसी प्रकार वो देखते देखते बोले कि ये कौन है, तो पहले देखे बंदे कृष्ण के बड़े होंगे, फिर जैसे देखे सुभद्रा देवी को बोलते ये कौन है, बोलते ये योग माया देवी, फिर जैसे सुदर्शन को देखते हैं बोलते हैं ये कौन है, बोले चक्रराज, फिर जैसे देखते हैं पूछते हैं ये कौन है, बोले ये हो जगन्नाथ कृष्ण है, अब ये तो गणेश भक्त है। अब गणेश जी को ये अनन्यता भक्ति, अनन्य मतलब न अन्य, अन्य कोई देवता को देखते ही नहीं, ध्यान करते ही नहीं,
गणेश जी के अनन्य भक्त थे। तो उसी प्रकार इन्होंने क्या किया कि ये पुनः सोचने लगे कि यहाँ तो हमारा इष्ट है ही नहीं, यहाँ तो हमारा इष्ट है ही नहीं। ऐसे सोच करके गणेश जी क्या वो गणपत्य जो भक्त थे उन्होंने फिर से दक्षिण की ओर पुनः लौटने की लौट के जा रहे थे। और रास्ते में उनको पुनः स्वप्नादेश हुआ कि स्वप्नादेश होते हैं कि ठाकुर जी स्वयं जगन्नाथ जी बोलते हैं, अरे आपका अनन्य भक्ति से मैं रीझ चुका हूँ, आप इस प्रकार का आपका अनन्य भक्ति है गणेश जी में, अरे गणेश जी एक गणेश नहीं ब्रह्मा शंभु गणपति मणपित देवार्चिता, कि ब्रह्मा शंभु शिव जी गणेश जी हनुमान जिनके चरणों में अनंत अनंत कोटि बार प्रणाम करते हैं स्तुतियाँ करते हैं। तो उसी प्रकार जिस प्रकार एक गणेश ने अनंत कोटि हजार हजार गणेश जिनके हृदय से निकल जा सकते हैं इस प्रकार का उनका महिमा है। तो बोलते हैं कि आपके अनन्य भक्ति में देख के रिझ गया, एक बार आके तो देखो। जैसे ये भक्त आके देखते हैं ना, तब ठाकुर जी का उस दिन प्राकट्य तिथि था, स्नान यात्रा था, और ठाकुर जी को उन्होंने गणेश रूप में हाथी वेश में बड़े सुंदर रूप में बड़े बड़े सुंड है, बड़े बड़े ठाकुर जी का दांत है, बड़े बड़े मुख है, बड़े बड़े कान है, इस प्रकार ठाकुर जी को सिंगार को देख के वो उनको साक्षात जगन्नाथ जी में गणेश जी को दर्शन होता है। तो इस प्रकार का इसका महिमा है। आज श्री जगन्नाथ जी का प्राकट्य तिथि भी है, आज के तिथि पर श्री ठाकुर जी ने हमारे नीलाचल पुरी धाम में विशेष करके गुंडीचा मंदिर के जो जन्म वेदी में वहाँ पर ठाकुर जी का शुभ प्राकट्य हुआ था आज की तिथि पर। तो आज एक बड़े अपने में विशेष तिथि है, आज के दिन ठाकुर जी इतने स्नान कर लेते हैं ना, इतने स्नान कर लेते हैं ठाकुर जी को बुखार हो जाता है, बोलते हैं ठाकुर जी को बुखार हो जाता है। 15 दिन तक ठाकुर जी अंदर ही विशेष रूप में सेवा ग्रहण करते हैं, उस सेवा काल में बड़े बड़े गुप्त सेवा है। ठाकुर जी के श्री अंग पे एक तेल मिलता है, फुलोरी तेल बोलते हैं हमारे उड़िया लैंग्वेज में, वो तेल को ठाकुर जी को शरीर पे मालिश किया जाता है कि बुखार कम हो जाए, और बड़े सुंदर से लेप किया जाता है ठाकुर जी के शरीर पर। और 15 दिन के बाद जब ठाकुर जी निकलते हैं ना रथ यात्रा के लिए, तो बोलते हैं वहाँ नवयौवन दर्शन, अपने बड़े सुंदर रूप में दर्शन देते हैं ठाकुर जी। तो इस जो 15 दिन के जो व्यवधान है, इस 15 दिन के अंदर श्रीमन महाप्रभु हर दिन जगन्नाथ जी का दर्शन करने जाते थे। अब 15 दिन जब एक स्नान यात्रा हो गया, स्नान यात्रा के रात को ही ठाकुर जी चले जाते हैं और दर्शन 15 दिन तक बंद रहता है। तो 15 दिन तक श्रीमन महाप्रभु, एक दिन क्या क्या श्रीमन, दूसरे दिन श्रीमन महाप्रभु जाते हैं जगन्नाथ जी को दर्शन करने के लिए। और जैसे ही दर्शन करने के लिए वो देखते हैं कि ठाकुर जी का दर्शन हो ही नहीं पा रहे, तो महाप्रभु को इतना विरह होता है, इतना विरह होता है कि श्रीमन महाप्रभु समंदर की तरफ जा रहे हैं। तो ऐसे करते हैं, बहुत सारा उदाहरण है। तो श्रीमन महाप्रभु ऐसे करते करते हुए श्री जगन्नाथ जी उनको स्वप्नादेश देते हैं, आदेश देते हैं कि मैं अलारनाथ में ही क्या करूँ, 15 दिन तक मेरा दर्शन वहाँ पर होगा। तो कौन कौन अलारनाथ गए यहाँ पर, किस प्रकार अलारनाथ जी कितने सुंदर वहाँ पर भी विग्रह है, श्रीमन महाप्रभु वहाँ पे दर्शन करते करते उनका भाव में एक शिला के ऊपर जब प्रणाम किए तो उनका वो शिला पिघल गया, इतना प्रेम श्रीमन महाप्रभु के। और इसके आगे तो गुरुदेव बताएंगे। और आज श्रीमन श्री जगन्नाथ जी का आज शुभ गजानन वेश है, बोलो गजानन वेश की, और श्री जगन्नाथ जी की बड़े सुंदर रूप में आज ठाकुर जी का प्राकट्य तिथि है। और गुरु जी का तो कृपा है ही है कि बड़े सुंदर सुंदर रूप में मेरे ऊपर हृदय में शक्ति संचारित किया, और विशेष रूप में हमारे श्रीदाम प्रभु और श्रीकांत प्रभु ने मिलके ठाकुर जी का फूल माला बनाया, और राधा रमन और एक प्रभु जी है अमर बोल के उन्होंने बड़े मुश्किल करके फूल ला के आए, और हमारे अनीता दीदी वहाँ पे बैठी है उन्होंने ठाकुर गोविंद जी का ड्रेस सिलवाया विशेष करके, और एक प्रभु जी हैं जिन्होंने विशेष करके ये बनाने में हेल्प किया, और हमारे क्या उनका नाम ब्रजेंद्र कुमार प्रभु ठाकुर जी का हाथ में जो लगा हुआ है उसको प्रस्तुत किया। तो सबका कुछ ना कुछ योगदान है, और सबका कुछ विशेष रूप में इन सब के लिए विशेष विशेष रूप में इनका धन्यवाद, क्योंकि इन्होंने विशेष रूप में ठाकुर जी के इस श्रृंगार में सहयोग किया और आगे भी करते रहे, ये सब प्रार्थना है। और विशेष रूप में आज देखो ठाकुर जी का इतना प्राकट्य तिथि, और प्राकट्य तिथि में ठाकुर जी भी उपस्थित हैं, और हमारा अहो भाग्य है कि गुरु जी भी उपस्थित हैं। गुरु जी के साथ ये ठाकुर जी को प्राकट्य तिथि को विशेष रूप में मनाया जाएगा, सुंदर सुंदर भोग लगा के आपको प्रसाद भी दिया जाएगा। इसी प्रकार के सब प्रार्थना के साथ
वांछा कल्पद्रोह शुक्रपा सुंदर जगत की तन ब्रह्म विष्णु जी ने नाम चलो कथा करो भाई एक लाइट जला दो आ गया फिर ठीक ठीक चला चला दो सर लाइट हाँ पीछे पीछे फैन भी जला रहा सब फैन चला रहा हरे कृष्णा ओम ज्ञानतिमिरां दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायैस्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नवीन प्रभु कहाँ गए तद्भक्ताय नमो कदाचित कालनी तट विभिन्न संगीत तरल मुदा प्रभु जी नवीन प्रभु नीचे है ना नीचे है नवीन प्रभु नवीन प्रभु कहाँ गए अंदर गए मुदा विरिनारी बदन कमला स्वाद मधुप रमा शंभ ब्रह्मा अमरपति गणेशार्चित पद जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरि बार जोर से बोलो बोलो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सत्यश्री श्री श्रीमद् भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज जी के चरणों कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सत्यश्री श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत श्रीला नारायण गोस्वामी महाराज के चरणों सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवियों को यथाजोग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। हम लोग श्रवण कर रहे थे, आज एक विशेष तिथि है, विशेष करके आज दो दो महापुरुषों का आज अंतर्ध्या तिरुभाव तिथि है, एक श्री मुकुंद दत्त और एक श्रीधर ठाकुर है, ये दो महापुरुष के परिकर थे, इनका भी आज तिथि है। कभी जो मुकुंद दत्त एक दिन श्री चैतन्य महाप्रभु विष्णु की खटिया के ऊपर बैठ गए और जो हनुमान जी को उपासना करते थे उनको हनुमान रूप में दर्शन देते थे, जो नारायण की पूजा करते थे उनको नारायण रूप में दर्शन दे रहे थे, जो नरसिंह देव को पूजा करते थे नरसिंह रूप में दर्शन दे रहे थे, जो जिसको पूजा करते थे उनको महाप्रभु उसी रूप में दर्शन दे रहे थे, लेकिन उन्होंने एक भक्त को उन्होंने बुला नहीं रहे थे, जिसका नाम था आज उनका तिथि, जिनका नाम श्री मुकुंद दत्त है। तो श्रीवास पंडित ने कहा प्रभु जी आप तो सबको बुला बुला करके आशीर्वाद दे रहे हैं, उनको कृपा कर रहे हैं, लेकिन आपका एक भक्त से मुकुंद दत्त वो गेट के बाहर खड़ा हुआ, आप उनको क्यों नहीं बुला रहे? बोले वो बेटे को हम नहीं बुलाएंगे। बोले क्यों? बोले वो खड़झाटिया। खड़झाटिया मतलब है वो जिस दल में जाता है ना वो उसी दल का हो जाता है, जो भगवान निराकार रूप को मानते हैं जब उनको पास में जाते हैं कहते भगवान तो निराकार है, उनका कोई रूप गुण लीला नहीं, लेकिन जब भक्तों के साथ में जाते हैं तो नहीं भक्त भगवान तो बड़े प्यारे हैं, भगवान तो बड़े सुंदर हैं, कैसे कन्हैया कैसे मीठी मीठी बंसरी बजाते हैं, राम कैसे धनुष बाण लिए हुए हैं, इसलिए जिस दल में जाता है ना वो उसी दल का हो जाता है, उसका अंदर कोई निष्ठा ही नहीं, ऐसे व्यक्ति को ऊपर में कृपा नहीं करता हूँ। कहते ना गंगा जाओ तो गंगा राम और जमुना जाओ तो जमुना दास, गंगा जाओ तो गंगा दास, मतलब जिसको दल में जहाँ पर जाए वो बेस जो बन जाता है, महाप्रभु कहते भैया ऐसे व्यक्ति को ऊपर में कृपा नहीं करता हूँ। इसलिए भगवान अपना माँ को कह रहे हैं, बोले माँ
मेरे जो भक्त है ना, बोले मई अनन्य भावे न भक्ति कुर्वंती जय दिडा, मेरे जो अनन्य भक्त है वो एकनिष्ठ होकर के मेरे को ही उपासना करते हैं, वो इधर उधर भागते नहीं, जिस दल में जाओ उसी दल का नहीं बन जाते हैं। वो खड़झाटिया महाप्रभु कहते कद भैया भक्ति ऐसे नहीं होता है, जहाँ पर जाओ जिसकी कथा सुन बस उनकी तुम बन जाओ, इसलिए भगवत भक्ति में ऐसे नहीं होनी चाहिए, भक्ति में एकनिष्ठ होनी चाहिए। जब महाप्रभु बोले इसको मैं कृपा करूँगा नहीं, दर्शन दूंगा ही नहीं, तब वो भक्त बड़े दुखी हो गए। दुखी होकर के इन्होंने क्या किया, श्रीवास जी को बोले एक बार महाप्रभु को तो बोलो, कभी तो कृपा करेंगे मेरे ऊपर में। तब जा करके बोले प्रभु मुकुंद तो पूछ रहा है, आप कभी तो उसके ऊपर कृपा करोगे। तब भगवान ने बोले हाँ करूँगा, लेकिन करोड़ों जन्मों के बाद। कब करूँगा? बोले करोड़ों जन्मों के बाद में उसके ऊपर कृपा करूँगा। इतना बोलते ही इतने खुश हो गए, नाचने लग गए। क्यों? बोले भगवान स्वयं कह रहे ना करोड़ों जन्मों के बाद में मेरे ऊपर कृपा करेंगे। जब कह रहे हैं कभी ना कभी तो ठाकुर को कृपा होएगी, हाँ उन्होंने तो नाचना शुरू कर दिया। अरे महाप्रभु सुनकर खूब खुश हो, बोले बुला ला, बोले अभी अभी इसको बुला ला। बोले भगवान की वाणी के ऊपर में उसको इतने विश्वास, इसको अंदर इतने विश्वास था, इसलिए आज इनकी तिथि भी है। कहते एक समय कहते श्री नवद्वीप धाम में एक बहुत बड़े वैष्णव आए जिनका नाम था पुंडरीक विद्यानिधि। कहते ये कृष्ण लीला में कौन थे? बोले श्री वृषभानु महाराज। अब जानते हो वृषभानु महाराज कौन थे? बोलो तो कौन बोलेगा? हाँ लगता है सब पंडित है आप लोग। इसलिए राधा रानी के पिताजी का नाम श्री वृषभानु महाराज, ये कृष्ण लीला में वृषभानु महाराज थे। महाप्रभु का लीला में उन्होंने पुंडरीक विद्याधिधि बन करके आए और इतने ठाड़ बाड़ में रहते थे। क्या उनकी ठाड़ बाड़, बड़े ठाड़ बाड़ में ये रहा करते थे। लेकिन एक श्री गदाधर पंडित, कहते गदाधर पंडित हम कहते ना श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि श्री गौर भक्त वृंद। कहते गदाधर कौन थे कृष्ण लीला में? कौन बोले हाथ उठा? बोला राधा रानी। जो राधा रानी थी कहते महाप्रभु लीला में ये गदाधर पंडित बन करके आए। अभी ये जो गदाधर पंडित, ये बचपन से संसार से कोई इनकी है कोई आसक्ति नहीं, बचपन से ही ये वैराग्य है, बचपन से ही भगवान कृष्ण भक्ति में रमे रहते थे हैं। लेकिन अगर उनको कहीं पता चले कई साधु आए, कोई साधु गुरु वैष्णव भगवान कहीं आए, इनके बड़े मन में बड़ी उत्कंठा रहती थी। कहीं भी साधु आए वो दर्शन करने के लिए जाते थे हैं। अभी उनको पता चला मुकुंद जो आज जिनका तिथि प्रभु सामने आ जाए, इसलिए जो मुकुंद जी थे इतने इनको एक आसन दे दो, ये आसन दे दो दे दो। इसलिए इन्होंने जो मुकुंद जी थे बोले देखो एक बहुत बड़े वैष्णव आए, दर्शन करने चलोगे? बोले साधु वैष्णव आए, बोले जरूर जाएंगे, चलो हमें भी ले चलो। देखो कहते जब तक हम वैष्णव का कृपा नहीं होना, ठाकुर का कृपा नहीं हो, भगवान हमें कृपा नहीं करते, ठाकुर जी हमें कृपा नहीं करते वैष्णव के बगैर। क्योंकि भगवान भक्तों के हृदय में ही भगवान रहते हैं। जब किसी भक्त की हमारे ऊपर कृपा हो जाए, समझो भगवान हमारे ऊपर में ठाकुर ही कृपा करते हैं। क्योंकि भगवान हमें कभी बोलते हैं, कभी ठाकुर जी आपके घर में भी ठाकुर है कि नहीं? सबके घर में लड्डू गोपाल राधा कृष्ण सबके घर में होगा, पर ये मंदिर में क्यों आते? तुम्हारे घर में तो ठाकुर है, तो मंदिर में क्यों आते? कहते इसलिए आते हैं भक्तों को वैष्णव को दर्शन करने के लिए। क्यों? भगवान खुद कहते हैं जब मैं किसी भक्तों को ऊपर कृपा करता हूँ, मैं डायरेक्ट कृपा नहीं करता हूँ, किसी संतों को माध्यम से ही मैं कृपा करता हूँ, भक्त माध्यम से कृपा करता हूँ। इसलिए शास्त्र कहता है जो डायरेक्ट भगवान को सेवा पूजा करते हैं, शास्त्र कोई गारंटी नहीं देते तो भगवान तुमको मिलेगा। भैया रावण को तो राम मिले, रावण को मिले कि नहीं? राम राम को दर्शन किया कि नहीं बोलो? लेकिन उन्होंने क्या किया, सीता को ही उठा कर ले गया और राम के साथ में लड़ाई किया। कंस ने कृष्ण को देखा कि नहीं? देखा, लेकिन क्या किया? कृष्ण को मारने के लिए, जिंदगी भर कृष्ण को मारने के लिए उतना अघासुर बकासुर सब राक्षसों को भेजते गया हैं। और स्वयं जब कृष्ण मथुरा में आ गए ना, तब भी उसको मारने के लिए कोशिश कर रहे, इसको कैसे छाड़ दे?
इसलिए शिशुपाल भी कृष्ण को दर्शन किया, कृष्ण सामने खड़े, गाली को फिर गाली 101 गाली निकाल दी भगवान, भले इनको कल्याण के भगवान को देख करके, जिस भगवान को दर्शन करने से जीव भव बंधन से मुक्त हो जाए, ये तो भगवान खड़े थे, गाली क्यों निकाल रहे थे? बोले कारण है, बोले जब तक कोई साधु की कृपा नहीं हो ना, जब तक कोई वैष्णव का कृपा नहीं हो, बोले भैया कृष्ण कभी भी डायरेक्ट किसी को ऊपर कृपा करते नहीं, वो करते तो किसी साधु को माध्यम से करते, भक्त की माध्यम से। इसलिए भागवत कहता है तत्रापि दुर्लभ मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम, बोले भगवान के दर्शन से भी ज़्यादा महत्व है संत दर्शन, क्योंकि ठाकुर हमसे बात ही नहीं करेंगे, ठाकुर बोले थे कि प्याज लहसुन छोड़ दो, ठाकुर जी बोले थे कि गले में कंठी लगाओ, ठाकुर भी बोले थे कहीं तिलक लगाओ, ठाकुर तुम्हें कहीं बोले माला जप कर, कहीं बोले तुमको, बोले नहीं ना, किसने बोला है? साधु बोले, वैष्णव लोग बोलते हैं। इसलिए शास्त्र कहता है भगवत दर्शन से भी भक्त दर्शन दुर्लभ। इसलिए कि गदाधर पंडित जो थे ना, कहीं अगर उनको पता चलता था कहीं संत आए साधु आए तो जरूर दर्शन करने के लिए जाते हैं, और संत दर्शन कितने महिमा बताया, उदाहरण दिया, पुंस अखनो सभी तुरजथा, जैसे सूरज जैसे पूर्व दिशा में उदय होने पर जैसे अपने आप सारे अंधकार दूर हो जाता है, कहते संत दर्शन से क्या हो जाता है, सारे अज्ञान रूपी अंधकार अपने आप नष्ट हो जाता है। इसलिए गदाधर पंडित के मन में बड़ी उत्कंठा रहती थी, क्या उत्कंठा रहती थी, कहीं अगर साधु आए जरूर साधु का दर्शन करने के लिए जाए। अभी उन्होंने साधु दर्शन करने के लिए गए, लेकिन जब साधु दर्शन के लिए गए, लेकिन वो कौन थे, वृषभ हनुमान, राधारानी के पिताजी, राधारानी के पिताजी, राधारानी के पिताजी, तो राधा जी को राजा है ना वृषभ हनुमान, ऐसे सिल्क के कपड़ा पहन कर रहते थे, क्या उनकी केस, उसमें क्या सुगंधित तेल लगाते थे, क्या उनकी पीकदानी, पीकदानी समझते हो, जिसमें पान खाकर जिसे फेंकते, सोने की गोल्डन की हैं, और सामने शीशा रखा हुआ, लिपस्टिक लगा कर रखे, और जो जो तकिया होता है ना, इसको क्या पिल्लो कहते हैं, इसको इसको क्या, जब गोल अगर बनता है उसको क्या बोलते हैं, गोल से, हाँ, इसलिए 5-6 तकिया हैं, और क्या कपड़ा, इतने रेशमी कपड़े को पहन करके रखे, और 5-6 सेवक, कोई पंखा झुला रहे हैं, कोई चामर व्यंजन कर रहा है, और पास में शीशा रखा हुआ, और बारंबार शीशा को रखना, अपना चेहरा देखते बारंबार, हैं, अरे पान खाते जा रहे, क्या उनकी जो ठाड़ बाड़ थी ना, वो ऐसे ठाड़ बाड़ थी, लेकिन साधारण लोगों का भावना क्या है, साधु कैसे होते हैं, बड़े दीनहीन होते हैं, बढ़िया बढ़िया कपड़ा नहीं पहनते हैं, बड़े सीधा साधा रूप में साधु लोग रहते हैं, लोगों का भावना। लेकिन उन्होंने जब देखा, बोले ये कौन सा साधु है, मेरे को साधु दर्शन कराने के लिए पान चिवा रहे हैं, होठ में लिपस्टिक लगा हुआ, बारंबार शीशा देख रहे, क्या केश सुगंधी, घर में घुसते ही एकदम, और जो पान खा रहे थे उससे जो सुगंधि आ रहा था, जो सेंट लगा कर रखे थे, घर एकदम खुशबूदार, और 8-10 सेवक सेवा कर रहे, बोले ये कौन सा साधु, ये कोई साधु का लक्षण कोई है? अभी उनका जो मन है ना, उनका मन तो खराब हो गया, जब खराब हो गया, और ये साथ में आज जिनका तिथि था मुकुंद, बोले हम तो इनको साधु दर्शन कराने के लिए आए, लेकिन इसकी भाव तो साधु के प्रति खराब हो गया है, साधु के प्रति खराब हो गया, अगर जिस साधु के प्रति अगर तुम्हारी मन खराब हो जाए ना, भक्ति नष्ट हो जाएगी, भक्ति तुम्हारी नष्ट हो जाएगी, हैं, जैसे साधु दर्शन से भक्ति मिलती है, अगर कोई सच्ची साधु हो उसको अगर तुम्हारी बुरा भावना आ गया ना, भक्ति तुम्हारी नीचे उतर जाएगी, भक्ति तुम्हारी खत्म हो जाएगी। इसलिए 6 तरह का वैष्णव अपराध बताया, हंती जो हाथ मारते हैं, निंदंती वैष्णव को जो निंदा करते हैं, जो उनको देख करके अभिनंदन नहीं करते हैं, उनको देख करके खुश नहीं होते हैं, कहते ये सबके सब साधु चरण में अपराध है सबके सब। इसलिए देखा है तो साधु दर्शन कराने के लिए लाया था, इनकी भाव तो साधु के ऊपर में बुरा भावना हो गया, इसलिए उन्होंने किया क्या, उन्होंने एक श्लोक पढ़ा, श्लोक क्या है, बोले अहो बकियम स्तन कालकूटम जिज्ञासयापि असाब्धि, इसका मतलब है कृष्ण कितने दयालु, कृष्ण कितने कृपालु है, हैं, पुतना जैसे राक्षसी कृष्ण को मारने के लिए आई थी, जिसके अंदर में सारे अपगुण, कोई भी अच्छा गुण नहीं था,
पहला नंबर तो वो थी पुतना, पुतना मतलब जो अपवित्र, पूत पवित्र ना नहीं अपवित्र। दूसरे नंबर में राक्षसी, बोले तीसरे नंबर में कृष्ण के लिए क्या लेकर के आई थी, बोले जहर। और चौथा नंबर में बच्चों का खून पिया करती थी, सारे अपगुण उसका अंदर में। लेकिन कृष्ण इतने दयालु, कहते गुण अपगुण प्रभु देखो ना काम। ठाकुर जी कभी भी किसी की अपगुण के ऊपर में ठाकुर जी नज़र नहीं देते हैं। ठाकुर जी जो सद्गुण हैं उसको ही ठाकुर देखते हैं। इसलिए पुतना को ठाकुर जी कहाँ स्थान दे दिया, गोलोक वृंदावन में उन्होंने स्थान दे दिया ठाकुर, किसको पुतना को जो मारने के लिए आई थी। जब उन्होंने इतना बोले, क्या उनको शरीर में प्रेम प्रकट हुआ, जो इतने सुंदर सुंदर रेशमी वस्त्र पहने हुए थे ना, उसको फाड़ रहे थे, कृष्ण बोल करके रो रहे थे, लौट पट खा रहे थे, कहाँ श्रृंगार, कहाँ उनकी तकिया, कहाँ उनकी पिकदानी, सारे फेंक फाँक करके कृष्ण प्रेम में ऐसे उन्माद ग्रस्त हो रहे थे। गदाधर देख करके बोले हे भगवान, हम तो सोच रहा था ये बहुत बड़ा विषय है, भक्ति का भाव भी नहीं, लेकिन इनके अंदर में इतने प्रेम है। अरे भैया मेरा अपराध हो गया, क्या करनी चाहिए। अरे महाप्रभु के पास में आए, बोले देखो आप उनसे मंत्र ग्रहण करो, जिससे हम मंत्र ग्रहण करते हैं हम उनकी संतान बन जाते हैं। जिससे हम भगवान का नाम मंत्र लेते वो हमारे पिता हो जाता है, वो परमार्थी के हमारे पिता और हम उसके बच्चे हो जाते हैं। इसलिए जो पिता है ना, देखना बच्चों का जब अपना बच्चा हो जाता है उसका ज़्यादा अपगुण का प्रति नज़र नहीं देता, सोचता है ना ये मेरे बेटा है, ये हमारा बेटा है, उसको ऊपर में कभी बुरा नज़र नहीं देता है। इसलिए क्या करो, उनका शिष्य बन जाओ तो फिर सारे अपराध से माफ़ कर देंगे। फिर उन्होंने उनको शिष्य बने और सारे अपराध को माफ़ करने। इसलिए आज ये महापुरुष का भी तिथि है। और एक भक्त जिसका नाम श्रीधर, कहते ये श्रीधर हम सवेरे भी श्रवण कर रहे थे, देखने के लिए बहुत गरीबी घर में जन्म हुआ, बहुत गरीबी घर में, इतने गरीबी घर में बेचते थे कि आप बंगाल में ना केले का फूल खाते हैं, केले का पत्ते भी बिकता है और केले तो बिकता ही, और केले का पेड़ को बीच में एक होता है सफ़ेद रंग का, आप तो ज़िंदगी में कभी खाए नहीं होंगे, खाए और नहीं खाए, केले का पेड़ को बीच में होता है। बहुत साधारण घर में जन्म हुए थे, वो उसको ही बेच बाच करके थोड़ी बहुत जो उनको इनकम होता था और उसी इनकम से आधा पैसा तो गंगा सेवा में लगा, और जो आधा पैसा बचता था वो आधा पैसा से ही अपना परिवार को मेंटेनेंस करते थे और उसी से ही अपना संसार चलाया करते थे। और महाप्रभु उसको पास में जा करके रोज़ रोज़ उसको साथ में लड़ाई करके उससे जो लाभ भी बेचते थे। प्रभु जी कहीं जा रहे हो प्रभु जी आप जल्द, इसलिए तब वो रोज़ रोज़ लड़ झगड़े करके महाप्रभु उनसे लाभ लेते थे, केले का फूल लेते थे, खाया करते थे। वो कहते थे भैया हम तो गरीब व्यक्ति, हम तो जो आधा जो उसमें जो प्रॉफिट में मैं तो गंगा पूजा करता हूँ। बोले गंगा तो मेरी दासी, गंगा कौन, भगवान के चरण से तो गंगा निकली है ना। बोले गंगा तो मेरी दासी है। बोले जितने बड़े बड़े हो रहे उद्धत हो रहे हो, गंगा मेरी दासी, तुम्हें तो पता नहीं गंगा कौन है, क्योंकि उनको तो पता नहीं ये साक्षात कृष्ण है। गंगा कहाँ से निकली, ठाकुर के चरण से तो गंगा निकली है, वो तो मेरी दासी। इसलिए महाप्रभु उसको घर से रोज रोज उसको पास में जाते थे, बोलते भैया दूसरे दूसरे तो है ना उनको पास में जाओ जो अच्छे अच्छे बिजनेस करते, मैं इतना गरीब है मेरे पास में क्यों आते हो। तब यहाँ कर कहते हैं भक्तर द्रव्य प्रभु काड़ी काड़ी खाए और अभक्तर द्रव्य प्रभु उलट न चाहे। इसका मतलब है भक्त प्रेम पूर्वक, प्रभु जी आपके पीछे जो दरवाज़ा बंद कर दो, इसलिए भक्त प्रेम पूर्वक जो वस्तु देते हैं भगवान उसको ग्रहण करते हैं। कहते ना प्रेम के भूखे प्रभु, हाँ प्रभु केवल प्रेम के ही ठाकुर जी भूखे हैं। इसलिए दुर्जोधन की मेवा त्यागे साग भी दुरु घर खाए, सबसे ऊंची प्रेम सदाई। इसलिए सबरी के झूठे बैर खाए, बहु विध स्वाद बताए, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। भगवान वस्तु को नहीं देखते हैं, भगवान हमारी भक्ति और प्रेम को देखते हैं, हैं प्रेम के भूखे प्रभु। इसलिए भगवान वहाँ बड़े बड़े सब दुकानदार बैठे हुए, लेकिन महाप्रभु किसी को पास में नहीं जाते थे, इसी को ही पास में जा करके रोज रोज लड़ झगड़े करके क्या करते थे, उनसे वस्तुओं को उन्होंने ग्रहण करते थे। और इसलिए इनका नाम था श्रीधर। श्री मतलब लक्ष्मी, मूल लक्ष्मी राधा रानी, उनको जो अपना हृदय में
उनको जो हृदय में जो धारणा करते थे इनका नाम श्रीधर, और महाप्रभु उनको ऐसे भक्ति प्रदान की। महाप्रभु कहते हैं केला बेचा मोचिया श्रीधर पाई लजहा कोटि कल्पे कोटीश्वर ना पाई बेता। कहते ये श्रीधर ने केले को बेच करके, केले के पत्ते को बेच करके, ये लाव को बेच करके, लौकी को बेच करके जो संपत्ति प्राप्त किया, बोले कोटीश्वर कोटि कल्प में भी वो वस्तु को प्राप्त नहीं कर सकते। कहते आज की इनका तिथि है, हैं, और आज है आप लोगों ने दर्शन किया जगन्नाथ जी की गणेश वैसे, आज श्री जगन्नाथ जी का प्रकट दिवस है। आज श्री जगन्नाथ जी प्रकट हुए, बोले जगन्नाथ जी क्यों प्रकट हुए, इसका बड़ी रहस्य बात है। और जगन्नाथ जी को आज इतने स्नान कराते हैं ना, इतने स्नान कराते जगन्नाथ जी को, अब तो गरीब देख रहे हो ना कितने गरीब बढ़ाए, इसलिए जगन्नाथ जी को बाहर निकालते हैं, मूल विग्रह को बाहर निकाल करके वहाँ पर एक मंडप है, वहीं पर जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा को निकालते हैं, और निकाल करके वहीं पर जो सोने के घड़े में अगुर कर्पूर चंदन को डाल करके सोने के घड़े में, और जगन्नाथ जी का खूब स्नान करते, खूब नहाते, और इतने स्नान कराते ना, और जगन्नाथ जी का स्नान कराते कराते ठाकुर जी को बुखार चढ़ जाता है। आज ठाकुर जी आप सुन रहे थे ना गणेश का वेश क्यों हुआ, भाई एक भक्त था जो गणेश जी की उपासना करता था, लेकिन उन्होंने आए तो बोले भैया हम तो गणेश जी को भक्ति करते हैं, तो गणेश दिख नहीं रहे, वो वापस जा रहे थे, इतने में उनको स्वप्न आया, बोले आकर तो देखो तो सही, जब उन्होंने आकर देखा ना जगन्नाथ जी को देखा गणेश, गणेश वैसे धारण किए हुए हैं। ठाकुर जी बोले क्यों, कारण क्या है, बोले कारण है जो जगन्नाथ जी है ना, ये कौन है जिसको पितामह ब्रह्मा कहते हैं, ईश्वर परम कृष्ण सचिदानंद विग्रहम अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम, कौन कह रहे हैं, जो दुनिया को जो सृष्टि करने वाले विश्व ब्रह्मांड को स्वयं ब्रह्मा जी ये बात कह रहे हैं कि कृष्ण कौन, जगन्नाथ जी कौन है, बोले ब्रह्मा शंभु ब्रह्मा अमरपति गणेशार्चित पद जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भगवान रविंद्र। इसलिए कहते ये जगन्नाथ जी कौन है, बोले जिनकी चरण को लक्ष्मी हर समय जिनकी चरण की सेवा करते हैं, ब्रह्मा जिनकी चरण की सेवा करते हैं, शंकर जी जिनकी चरण की सेवा करते हैं, गणेश जी जिसकी चरण की वंदना सेवा करते हैं, ऐसे श्री जगन्नाथ जी कृष्णचंद्र कृष्ण ही ये जगन्नाथ है, हैं, ऐसे उनके चरण कमल श्री जगन्नाथ जी के, इसलिए जगन्नाथ जी ऐसे के देवता, इसलिए उनका नाम जगन्नाथ। जगन्नाथ मतलब क्या, जगत का जो नाथ है, जो विश्व ब्रह्मांड का अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड का जो नाथ श्री जगन्नाथ, बोले जय जगन्नाथ महाप्रभु की। इसलिए जगन्नाथ जी को अंदर में आप महाभारत देखे होंगे, जब अर्जुन युद्ध करना नहीं चाह रहा था, इसी समय में क्या किया कृष्ण ने, उन्होंने विराट रूप दिखाया, बोले देख अर्जुन मैं कौन हूँ, जिसको तुम शंकर कह रहे हो शंकर मेरे में, जिसको देवी कहते हो देखो देवी मेरे में, जिसको तू गणेश और हनुमान कहे तो देखो हनुमान गणेश मेरे अंदर में, ये जो अनंत कोटि जो विश्व ब्रह्मांड, आप लोगों ने भगवान का विराट रूप देखे होंगे, देखे कि नहीं ठाकुर का विराट रूप, कौन कौन देखे हो ठाकुर का विराट रूप, हाँ जब उन्होंने विराट रूप दिखाया विश्व ब्रह्मांड को ठाकुर जी अपना अंदर में दिखाते हैं, और लास्ट में कहते हैं अर्जुन मतः परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय मई सर्वविदम प्रोक्तम सूत्रे मणिगणाई वो, इसलिए कहते मेरे से कोई परतत्व जगत में कोई है ही नहीं, जगत में अगर कोई परतत्व हो तो मैं ही जगत का परतत्व। हरे कृष्णा हरि बोल, हाँ उसमें क्या लाए हैं, हाँ गुड़ लाए, हरे कृष्णा, इसलिए भगवान को अंदर में, हाँ देखो अच्छे तरह से चीज को समझो, अच्छे तरह से समझ लो, इसलिए यहाँ पर भगवान क्या दिखाए, ये अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड मेरे अंदर में, अर्जुन मेरे को छोड़ करके जगत में कोई परतत्व नहीं, देख ले मैं कौन हूँ, हैं, इसलिए भागवत में दो उदाहरण देकर समझाए, बोले जैसे अच्छे तरह से इसको दिमाग में बैठाओ आप लोग, नहीं तो इधर उधर भटकते रहोगे, नहीं तो इसको पास में जाओगे उसको पास में सारा दुनिया में जाओगे, इसलिए दो चीज भागवत में उदाहरण दिया, जैसे एक वृक्ष है दिमाग में चीज में बैठा दो, जैसे कोई वृक्ष है
जब वृक्ष की जड़ में हम पानी दे देते हैं क्या होता है, पेड़ का सारे शरीर में पेड़ पानी चली जाती है। अगर कोई व्यक्ति जड़ में पानी नहीं दे, दिन भर उसको पत्ते को धोते रहे, उसका फल को धो, उसकी फूल को धो, टहनिया को धो, लेकिन उसका जड़ में पानी नहीं दो, बताओ पेड़ जिंदा रहेगा कि नहीं? बोले क्यों नहीं रहेगा, दिन भर तो पेड़ को पानी दे रहे हो, लेकिन वृक्ष का कहीं भी तुम पानी नहीं दे रहे हो, केवल जड़ में पानी दे देते हो, पेड़ जिंदा रहेगा कि नहीं? जिंदा रहेगा कि नहीं? जिंदा रहेगा। दूसरा उदाहरण दिया जैसे खाना, हम खाना कहाँ देते हैं, मुंह में देते हैं ना खाना। जब मुंह में खाना दे दो, देखो ना सारी इंद्रियां पूरा काम करती हैं, अब मुंह में खाना मत दो, थोड़ी डाल आँख में डाल दो, थोड़ा रोटी कान में दे दो, हाथ फाड़ करके थोड़ा सब्जी दे दो, पूरा शरीर को तुमने क्या करो सब्जी, लेकिन तुम मुंह में खाना नहीं दो, बोले बताओ जिंदा रहेंगे कि नहीं? जिंदा रहेंगे? जिंदा नहीं रहेंगे। बोले ठीक, उसी तरह अगर हमने 33 करोड़ देवता को खुश कर लिया, 33 करोड़ देवता, लेकिन क्या भगवान कृष्ण को खुश नहीं कर पाए, ये कोई भी काम में आने वाला, अंतिम समय में कोई भी काम में नहीं आ सकते तुम्हारे, हैं? इसलिए जब हनुमान जी गए ना लंका में, देखा रावण प्यार को नीचे काल को दबा करके रखा, और वहां पर देखा हनुमान का पिता घर में झाड़ू लगा रहा था, हनुमान का पिता कौन है, पवन कुमार। देखा अग्नि को, देखा घर में कपड़ा धुलाई कर रहा था। ब्रह्मा जी को देखा वेद मंत्र सुना रहा था, और जितने नवग्रह को रवि सोम मंगल, अब रामायण देखे हो, कौन कौन रामायण देखो, देखना हनुमान जी जब बांध कर ले गए, आप देखना सारे नवग्रह वहां पर सबके सब, रावण सबके सब बांध करके रखा, सबके सब हनुमान जी को प्रार्थना करते, हमें यहाँ से निकालो, हमें यहाँ से उधार करो, यहाँ से निकालो, सबके सब प्रार्थना कर रहे थे, सबको उन्होंने खुश कर दिया था, लेकिन एक प्रभु राम खुश नहीं, केवल एक प्रभु राम खुश नहीं हुए, कोई उनको बचाने वाले नहीं आए, कोई उनको बचाया नहीं। इसलिए अगर हम भगवान कृष्ण राम अगर नारायण तीनों ही विष्णु तत्व अगर इनको संतुष्ट कर दिया ना, सबके सब तुम्हारे ऊपर संतुष्ट हो जाएंगे। इसलिए बोले जहाँ पर कृपा हरि की हुई ता पर कृपा करे सब कोई, जिसको पर हरि की कृपा हो जाएगी उसको पर सब कृपा हो जाती है। इसलिए उन्होंने जब गणेश जी की पूजा करते थे, जब जगन्नाथ जी को आकर देखा ना, जगन्नाथ जी गणेश रूप में बैठे हुए, क्योंकि कृष्णा को अंदर में सारे रूप है। इसलिए आज श्री भगवान की ये बेस ठाकुर की गई, कहते आज जगन्नाथ जी की प्राकट्य दिवस आज है, इसलिए आज हमारे नवीन प्रभु भी वहाँ पर कथा कर रहे थे, जगन्नाथ जी कैसे प्रकट हुए, प्रभु जी उसी विषय पर थोड़ी सी बोलेंगे, जगन्नाथ जी प्रकट कैसे हुए। मैं और थोड़ी कथा को सुना थोड़ी सुना देता हूँ। देखो एक समय से जगन्नाथ जब आज जगन्नाथ जी को ये स्नान करके ठाकुर जी बुखार में क्यों चढ़ गए, ये चीज़ को समझो, भगवान का ही बुखार होता है। कहते जिनका नाम लेने पर जीव, ये भवसागर से जीव, जिनका नाम लेने से भवसागर से पार हो जाते हैं, लेकिन आज भगवान को क्या हो गया, भगवान आज बुखार में पड़ गए। जब बुखार में पड़ गए ना, और बुखार पड़ने पर अब क्या खाते हो, पतली पतली खिचड़ी खाते हो ना, दवा लेते हो, इसलिए आज से जगन्नाथ जी को पतली पतली खिचड़ी खिलाएंगे, उनको एक दवा मिलाते हैं जिसको कहते हैं पांचन, इतना टेस्टी है ना, जब तक तुम नहीं खाओगे पता नहीं लगा सकते उसमें क्या टेस्ट है। उसमें 5 तरह का जड़ी बूटी मिलता है, जैसे बुखार होने पर हम लोग मेडिसिन लेते हैं, जगन्नाथ जी को भी 5 तरह का जड़ी बूटी जगन्नाथ जी को देते हैं, और जो मलाई को साथ में और एक मीठा डाल करके, और कुछ उसको कहते हैं उड़ीसा में पाना, ये क्या टेस्ट है, आप खाए जब तक नहीं खाओगे ना, पृथ्वी में कोई भी चीज़ खाओगे उसको सामने कभी तुम बराबर नहीं कर सकते हो जो उसमें टेस्ट है। हम लोग ने जगन्नाथपुरी में रहते थे ना, हम लोग उसको थोड़ी थोड़ी लाते थे, लोग हैं हम लोग खाते थे, इतने टेस्ट उसमें, यहाँ पर कोशिश करें कितनी बनाने के लिए पूछ करके, लेकिन ऐसे तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि जगन्नाथ का महिमा जगन्नाथपुरी की महिमा है। अभी जगन्नाथ जी आज से 15 दिन तक जगन्नाथ जी अंदर में रहेंगे, अनवसर में जगन्नाथ जी दर्शन नहीं देंगे, क्यों, उनको बुखार हुआ। बोले ये वैसे बुखार नहीं, ये प्रेम का बुखार है। कृष्णा जहाँ रहते हैं उसको मानी जाती है द्वारका, लक्ष्मियों को साथ में रहते हैं, और वहाँ से 2 किलोमीटर में एक स्थान जिसका नाम गुंडीचा मंदिर, उसको मानी जाती है वृंदावन, उसको वृंदावन, और जहाँ रहते हैं उसको मानी जाती है द्वारका। हैं कृष्ण तो रहते हैं रुक्मिणी सत्यभामा को साथ में, लेकिन
वृंदावन का जो प्रेम है, राधा रानी का जो प्रेम है, गोपियों का जो प्रेम, नंद जसोदा का जो, सखाओं का जो प्रेम है ना, दुनिया में ये प्रेम ऐसे कोई दुनिया कर ही नहीं सकता उनको जैसे प्रेम। इनके प्रेम तो निराला प्रेम है। आप बताओ आप कहाँ जाना चाहते हो, किसको घर में जो आपको प्रेम करे? दुनिया प्रेम की भूखे हैं। अगर किसको प्रेम नहीं मिलेगा तो लास्ट में सुसाइड कर देता है। सुसाइड कब करता है? जब तक पत्नी भी प्यार नहीं करता है, बच्चे भी नहीं, पिता माता कोई भी नहीं, तब लास्ट में वो सुसाइड करता है। इसलिए दुनिया प्रेम की, सबके सब प्रेम की सब भूखे हैं। लेकिन ब्रजवासियों का जो प्रेम एकदम शुद्ध निर्मल प्रेम, जिनके अंदर में कोई कामना वासना नहीं। हम पहले बोल रहे थे ना जो तिलक गोपी चंदन कहाँ से आता है? ब्रज से। क्योंकि जब कृष्ण बुखार की लीला की, कोई भी नहीं दिया, कोई द्वारकावासी नहीं दिया, दिए तो कौन दिए? ब्रजवासियों ने दिया है। उनका जो प्रेम मैया जसोदा की, नंद बाबा की सखाओं की, निराला प्रेम। इसलिए कृष्ण तो सोते हैं रुक्मिणी सत्यभामा के पास में, लेकिन रोते हैं वृंदावन के लिए। सोते हैं रुक्मिणी सत्यभामा के पास में, रात में ना सोए तुम कहाँ हो, हे ललित तुम कहाँ हो, हे धवली, हे श्यामली, हे श्रीधाम, हे वसुधाम, मैया, इनका नाम को कृष्ण ले ले रो 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 करके रात को तकिया को गीले कर देते थे, एकदम गीले कर देते थे। हैं, इसलिए जहाँ रहते हैं वो लक्ष्मी रहती हैं वहाँ पर, हैं लक्ष्मी को साथ में, अभी लक्ष्मी को साथ में तो वहाँ रहते हैं, लेकिन इनका मन जी तड़प 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 तक तड़पड़ाता है कि मैंने राधा रानी से मिली। ब्रज होते हैं, बहाना बना देते, भैया मेरे को बुखार हुआ है, और क्या करते 15 दिन तक लक्ष्मी को मनाते रहती हैं, लक्ष्मी को शरीर पर हाथ दे करके, उनको प्यार दे करके, मेरे को थोड़ी से आदेश दे दे, कुछ दिन के लिए थोड़ा वृंदावन चले जाओ, गोपियों से मिल जाओ, पिता माता से जानते। अगर डायरेक्ट अगर इसको बोल देना, किसको, लक्ष्मी को अगर बोल दे तो ये तो खाना पीना बंद कर देगी, रोटी फेंक कर देगी, मुँह टेढ़ी करके बात करेगी, हैं प्यार से बोलेगी नहीं, ये तो हैरान कर देगी, रहना तो इसको पास में हमें। इसलिए जगन्नाथ जी ना वो बड़ी समझा बुझा करके 15 दिन तक उन्होंने यहाँ पर रहे। 15 दिन जब बीत गया ना, उसको बाद में जगन्नाथ बुखार से उठते हैं, बोले देख तुमने देखा है ना, 15 दिन तक कहीं नहीं गया, तेरे पास में रहा और मेरे को बुखार आया। उन्होंने प्रेम की बुखार बना, झूठ मूठ का बुखार बना देते हैं, इसलिए मेरे को तो छोड़ दे, मैं दो एक दिन में घूम घाम कर आ जाऊँ, है मेरे को छोड़ दे। जब उन्होंने बात बताया, बोले कब आओ? बोले आज जा रहा हूँ, कल परसों आ जाऊँगा। बोले ठीक है, लेकिन लक्ष्मी को लेकर नहीं जाते, वो अपना भैया दाऊ भैया को और अपना बहनी सुभद्रा को लेकर जाते हैं, लक्ष्मी को लेकर नहीं जाते। बोले क्यों? बोले लक्ष्मी की भावना ये ऐश्वर्य भाव, कृष्ण भगवान, लेकिन वहाँ पर माधुर्य है, कोई भी कृष्ण को भगवान नहीं मानते हैं, इसलिए वो उनका जो प्रेम का ये लक्ष्मी नहीं समझ पाई, इसलिए लक्ष्मी को नहीं लेकर के केवल उन्होंने दाऊ भैया। क्यों? दाऊ भैया ब्रज में रहे, सुभद्रा ये जोग मया रूप है, ये भी ब्रज प्रेम को जानते, केवल इनको लेकर के जाते हैं और इनको लेकर जा करके। लेकिन जब 5 दिन हो जाती है ना, उन्होंने लक्ष्मी को उन्होंने दे कर गए थे, बोले देखो 2-3 दिन बाद में मैं वापस आ जाऊँगा, इसलिए 2-3 दिन का भोजन देकर गए थे। लेकिन उसको बाद में जब जगन्नाथ जी नहीं आए ना, देखो एक पत्नी का और एक ये क्या गुण है, अगर पत्नी को पता चलता है मेरे पति अंदर अंदर में और किसी लड़की को प्रेम कर रहे हैं, पति को लड़के किसी लड़की को प्रेम करता है, पत्नी की ये स्वभाव है, सारा दुनिया में ढिंडरा भिजवा देगी, सारा दुनिया को जिसको देखेगी ना बोलती रहेगी, तुम पता है वो क्या करता है, उसको पास में जाता है, बात करता है, उसको देता आता है, ए उसकी स्वभाव सारा दुनिया में ढिंडरा भिजवा देगी। ए जब जगन्नाथ जी जब देखे लक्ष्मी 5 दिन हो गया आ नहीं रहे हैं, ए लक्ष्मी जो अंदर थी बाहर निकल कर आ गई, सारा दुनिया को जिसको देखे बोले, तुम पता है जगन्नाथ जी क्या किया? 2 दिन बोल कर 5 दिन हो गया नहीं आ रही वहाँ से, कि गोपियों ने रोक दिया और राधा रानी को प्रेम सारा दुनिया को बोलती रहती हैं। और जगन्नाथ जी उनको पूरा भंडारा का चाबी काटी बंद करके लेकर गए, बोल कर गए 3 दिन बाद में आ जाऊँगा, जब नहीं आती ना लक्ष्मी बाहर आकर के, अब जाओगी उस समय लीला होती है, सबको भीख मांगते रहते, मेरे को खाना 2-3 दिन देकर गए और वहाँ जाकर रह गए और वहाँ से आए नहीं रहे, और सारा दुनिया लक्ष्मी को भिक्षा देते। क्यों? लक्ष्मी की कृपा से तो लक्ष्मी मिलती है ना, लक्ष्मी को उस समय जो लक्ष्मी को देती है ना, माँ लक्ष्मी खुश हो जाती। क्यों? विपत्ति का समय में कोई अगर मदद कर जिंदगी कर याद रहता है, भैया तुमने विपत्ति में मेरे को याद की, लक्ष्मी को सब आकर के पैसा चढ़ाते हैं वहाँ पर। इसलिए जगन्नाथ जब 5 दिन के बाद नहीं आए,
हे इतना क्रोध आ गया लक्ष्मी को, हे अपना दल बल में साथ में गई जगन्नाथ जी का पहिया पहिया को तोड़ दी, अंदर में जा करके सिंहासन पर बैठी गई, बोले ये सब गोपियों को पकड़ पकड़ ले, मेरे पति को जाने नहीं दे रहे हैं, और उनको पकड़ पकड़ कर लाते हैं और सबके सब इनके चरण में माफ़ी मांगते हैं इनके चरण में, और कहते हैं हमारी गलती हो गई, जल्दी से जल्दी जगन्नाथ जी को हम छोड़ देंगे। बोले कब? बोले कल ही छोड़ देंगे। लेकिन जब जगन्नाथ जी अंदर में आते हैं ना, वो दो दिन बोल करके 15 दिन बाद में जगन्नाथ जी अंदर में आते, जब अंदर में आती है ना लक्ष्मी नीचे उतर आती है, बोले अभी तक मजा चढ़ा था इसलिए दरवाज़ा बंद कर, इनको घुसने नहीं दी, क्योंकि मंदिर में वो रहती है, ये बाहर है मंदिर में, अभी दरवाजा बंद करके वहीं पर बैठी जाती है। पहले बलदेव प्रभु आते हैं, जब आते हैं तो दरवाज़ा बंद किया हुआ, तब अंदर से लक्ष्मी का जो गण पूछते हैं, बोले कौन आया? बोले तुम्हारे जेठ आया है। बोले भैया जेठ से कोई झगड़ा नहीं, दरवाज़ा बंद हैं, अरे जेठ आए। उसके बाद में सुभद्रा जाती, बोले कौन आए? बोले तुम्हारी ननद आई है। ननद कितना तेज आपको बता होगा, हाँ ननद कितना तेज होती है। बोले भैया ननद से भी कोई हमारी लड़ाई नहीं, दरवाजा खोल कर ननद के लिए भी रास्ता दे दो। बोले जब जगन्नाथ जी आते, बोले कौन आए? बोले तेरे खसम आया, दरवाजा बंद करो। बोले दरवाजा बंद करो, लड़ाई जगन्नाथ जी को साथ में, पति को साथ में लड़ाई है, और हमारी लड़ाई और किससे नहीं, इसलिए दरवाजा बंद करो। उन्होंने दरवाजा बंद कर दिए। जब बंद कर दिए, बोले कब बोल कर गए थे कब आने के लिए? 2 दिन हो गया, 15 दिन तक क्या कर रहे थे? लेकिन जो कृष्ण छलिया है ना, वो नटखट है, जगन्नाथ जी को पता है स्त्रियों को अगर देखिए यहाँ जगन्नाथ सिखाते, अगर स्त्रियों को पुरुषों को अगर मनाना तो कैसे आपको खुश कर सकते हो, उनको प्रसन्न कैसे कर सकते हो? गोपियों का जो मान दुर्जय मान है, वो मान को मनाना कोई साधारण नहीं, ऐसे मान। लेकिन जो लक्ष्मी का जो मान है ना, चुटकी बजाते जगन्नाथ जी को बताए है, हैं इनको चुटकी बजाते लक्ष्मी को मैं मना दूंगा। भले ऐसे में जो देर किसी लिए किया, तेरे लिए तो मैंने देर किया, भले मेरे लिए किया? भले जब मैं विदेश गया हूँ, तेरे लिए कुछ लाए बगैर खाली हाथ से आ सकता हूँ? भले मेरे लिए क्या लाने के लिए? भले तेरे लिए तेरे लायक जो साड़ी है ना, बनारसी साड़ी, जिसमें सोने की एम्ब्रॉयडरी का काम, बहुत उसमें हीरे मोती जड़ा हुआ है, मैंने अर्डर दिया था, और तेरे क्या लाया हूँ? भले क्या लाए? भले तू जो लाए की कहते ना, जो रसगुल्ला, वो स्पेशल रसगुल्ला मैंने ऑर्डर दे करके मिट्टी की हाड़ी में, फिर जगत में दोबारा जन्म लेना नहीं पड़ता, इतने महिमा। बोले क्यों? रथ में दर्शन करने का क्यों महिमा? बोले कारण है, देखना आप लोगों को पत्नी है ना, जैसे तुमको पति से कोई मांगना है, आप मूड देख करके मांगते हो, हर समय नहीं मांगो, जिसमें क्रोध होगा वो मांगोगे तो थप्पड़ लगाए, लेकिन जब खाना खिला के लिए बैठा हो, खाना खिला रहे हो, खुश है, प्रसन्न है, समय देख करके पत्नी बात करती है, अगर इस समय खुश है, अगर बोल देंगे तो ये मना नहीं करेंगे, हैं? इसलिए जगन्नाथ जी खुश है। बोले क्यों? बोले ब्रजवासी राधा रानी से मिलने के लिए कहाँ जा रहे हैं? वृंदावन जा रहे, खुश उस प्रसन्न है, कितने दिन को बाद में मैं जा रहा हूँ ब्रजवास से मिलने के लिए। जब वो रथ में बैठते हैं ना, इतने प्रसन्न, इतने खुश रहते हैं। हमारे उड़ीसा में जैसे ठाकुर को हम भोग लगाते ना, दरवाजा बंद कर, वहाँ ऐसे नहीं, जितने दूर तक रथ दिखता है उतना दूर से जय जगन्नाथ बोल के भोग लगा लेते हैं, वहीं से दर्शन करके भोग ले लेता है, जहाँ पर उनको पता का झंडा है वहीं से ही वो दर्शन कर लेते हैं, वहीं से ही उनको उद्धार कर लेते हैं। इसलिए रथ में जगन्नाथ जी को दर्शन करने का विशेष महत्व, रथ खींचने का बड़ा महत्व है। एक बार कोशिश करके आप सबको भी ले जाने के लिए, कौन जाएगा? सब जाएगा, थोड़ा थोड़ा पैसा है ना पति से जो देते हैं खर्चा के लिए, थोड़ी थोड़ी उसको थोड़ी थोड़ी बचा बचा कर रखना, क्योंकि पैसा मांगोगे तो मना करेंगे, ठीक है? इसलिए अभी हमारे नवीन प्रभु जी कुछ कथा सुनाएंगे, हाँ, और कुछ कुछ भक्त लोग बोल रहे थे खड़े हो जाओ, इसलिए कोई बोल रहे, जैसे अभी जैसे गरीब में पड़ रहा है ना, कोई बोल रहे थे चलो बद्रीनाथ घूम करके आएंगे, बद्रीनाथ जाओगे? अगर अगर 2 दिन लेकर जाएंगे ना, दो दिन में आ सकते ना प्रभु, आ सकते 2 दिन में? क्या क्या बोला? बद्रीनाथ है 3 दिन लगेगा, हाँ अगर, हाँ बंद भी हो जाता, इसलिए अगर अगर आप लोगों को इच्छा होगा, क्योंकि बद्रीनाथ को दर्शन करने से उसका दर्शन का ये महत्व है, भगवान को पता है कलयुग में हम भजन नहीं कर सकते, ध्यान तपस्या नहीं कर सकते, इसलिए भगवान नर नारायणी ऋषि रूप में बद्रीनाथ में भगवान तपस्या कर रहे हैं। इसलिए भगवान ने तपस्या क्यों कर रहे हैं? कहते अगर कलयुग में कोई जीव मेरे को दर्शन करने के लिए आए, मैं जो यहाँ तपस्या में बैठा हुआ हूँ,
एक बार अगर मुझे कोई दर्शन कर ले, मैं जो तपस्या का जो छठवा भाग का फल जो मुझे दर्शन करता है उसको ही ये फल प्राप्त हो जाएगा। इसलिए बद्रीनाथ दर्शन करने का विशेष महत्व है। तप्त तो कुंड है वहाँ पर, अगर आप लोगों को इच्छा होगा तो आप बोलोगे तो फिर हम 3 दिन के लिए वो खुलेगा, अगले महीना से शायद खुलने वाले बद्रीनाथ। अभी बद्रीनाथ बंद है कोरोना की वजह से, अगले महीना से खुलेगा जब यहाँ गर्मी एकदम होगा। अगर आप लोग बोलोगे 2 दिन के लिए कोशिश करेंगे जाने के लिए, ठीक है। और अक्टूबर में द्वारिका भी, ठीक है, द्वारिका जो जाना चाहते हैं ध्यान से विराम ध्यान। और भी जैसे हम पहले वृंदावन जैसे हर महीना में कोशिश करेंगे, एक बार यहाँ जैसे बस गई थी, एक महीना में कोशिश करके एक बार बस गिरिराज गोवर्धन के लिए जाए, एक बार बड़ी परिक्रमा करो और एक बार छोटी परिक्रमा करो, छोटी परिक्रमा करो, ये उसको आधा दिन में हो जाती है। और फिर आते समय कभी बरसाना दर्शन करके आ जाओ, कभी नंदगांव दर्शन करके आ जाओ, कभी वृंदावन दर्शन, आधा परिक्रमा करो और वापस में वृंदावन हो, कभी गोवर्धन, कभी गोकुल, आधा हर बार आधा परिक्रमा और अलग अलग जगह जो ब्रज में उस स्थान को दर्शन करने के लिए आए। इसलिए हम फिर प्लानिंग बना कर आपको बताएंगे प्रभु कब जाएंगे। और हमारे जो चिराग प्रभु जी आज उन्होंने, हाँ खड़े हो जाओ चिराग, आप लोगों के लिए क्या बनाया उन्होंने? कस्टर्ड बनाए। ये तो 3 दिन से जुगाड़ कर रहे हैं, हाँ कस्टर्ड 3 दिन से अपना हाथों से उन्होंने सब्जी स्वयं फल को अवनिया किया। मैंने कहा और किसको मदद, बोले नहीं मैं बनाऊंगा, भक्तों सेवा मैं करूँगा हैं। और अपना पैसा से उन्होंने भक्तों की सब चीज ला ला करके सब चीज को उन्होंने आज बहुत कष्ट करके कस्टर्ड आप लेके बनाया है। इसलिए आप उनके आशीर्वाद करो बच्चे को, इसको इसलिए इसका आशीर्वाद दो, जैसे ये निष्कपट होकर के साधु गुरु वैष्णव का सेवा कर सके और भगवान की शुद्ध रूप में भक्ति करे, इनको सब आप लोग हृदय से उसका आशीर्वाद सबके सब देना। अब कल कथा सुनाना, ठीक है, और कोशिश करना जैसे आज आए हो रोज आने के लिए, क्योंकि देखो कितना बिनु सत्संग विवेक ना होई, राम कृपा बिनु सुलभ ना सो। जब तक सत्संग नहीं करेंगे ना भक्ति नहीं कर सकते हो। जो कथा में नहीं आते हैं ना, देखना कहीं माला भी छूट गया होगा, कभी तिलक लगाए तो नहीं लगाए, कभी गले से, तो मैं तो बड़े दिन के बाद जो भेटता हूँ ना देखता हूँ गले में कंठी नहीं, बोले भाई तेरी कंठी कहाँ गई, क्या तेरी कंठी कहाँ चली गई, बोले टूट गया। अगर कोई कथा में नहीं आएगा ना भजन कर ही नहीं सकता है। जिसको जितने कथा में रुचि है उसका उतना भक्ति बढ़ रही है। कथा में रुचि नहीं तो देखा माला तो लेकर चले गए, मैंने बहुत भक्तों को देखा माला पला कहाँ लटक रहा है, कुछ भी नहीं। क्यों? उदाहरण देते जैसे कि पौधा गमला में लगाया, अगर आप पानी नहीं देगा तो वो थोड़ी जिंदा रहेगा तो मर ही जाएगा। ये कथा क्या है? महाप्रभु तो पानी, अगर पानी नहीं दोगे उत्साह नहीं रहेगा तो पानी उत्साह रहेगा है। इसलिए कोशिश करना कितना समय, आप लोग आज थोड़ी लेट हो गया लेकिन हम 8:30 बजे हम कथा को विश्राम दे देंगे, कथा को 8:30 बजे आपको विश्राम दे देंगे, ठीक है। भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण सरोज में कोटि कोटि धन ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात शिक्षक गुरुदेव भक्ति वेदांत श्री गोस्वामी महाराज जी के चरण सरोज में मेरा कोटि कोटि धन का नाम है, उसके उपरांत समस्त वैष्णव वैष्णव के चरणों में मेरा कोटि कोटि धन का नाम। आज श्री जगन्नाथ स्नान यात्रा है और जगन्नाथ जी को तो आप सब जानते ही हैं। कौन है जगन्नाथ जी? जगन्नाथ जी कौन है? हैं? श्री कृष्ण भगवान स्वयं जगन्नाथ जी। इस बार हम कोशिश करेंगे कि हर जगन्नाथ रथ यात्रा में छूट जाता है, इस बार अगर नहीं गया तो मिलते वहाँ पर आलम भी रथ यात्रा होगी, अगर यहाँ होगा तो हम लोग जैसे क्योंकि रथ यात्रा का भी यहाँ रथ यात्रा तो होती है लेकिन दूसरे समय में हम करते हैं रथ यात्रा के दिन, उसी दिन का विशेष महत्व है। अगर यहाँ पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा
बोलो जगन्नाथ भगवान की। इतना धीरे से भंडारा आज तो। बोलो जगन्नाथ भगवान की। तो जगन्नाथ भगवान कौन है? ईश्वरा परमा कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह, मतलब समस्त ईश्वरों के ईश्वर स्वयं जो श्री कृष्ण है वही है। और जगन्नाथ का जो मंदिर है पुरी में, हम सब जो देखने जाते हैं दर्शन करने, वो जगन्नाथ जी से भी बहुत पहले का बना हुआ, वो सतयुग का बना हुआ, इसकी आज कथा हम श्रवण करेंगे। देखिए, एक महान राजा हुए जिनका नाम था इंद्रद्युम्न और उनकी पत्नी का नाम था गुंडीचा, गुंडीचा महारानी। ये दोनों दंपति इतनी ज़्यादा भक्ति में लीन रहती थी, प्रजा को अपना पुत्र मान करके उनकी सेवा करती थी और हमेशा सबको एकादशी व्रत और भक्ति में लगा कर रखती थी। सबको हरिनाम संकीर्तन कथा इत्यादि सुनाने के लिए हमेशा साधुओं को आमंत्रित करती और प्रजा को हमेशा सुंदर सुंदर कथा श्रवण कराती। तो इंद्रद्युम्न महाराज ने इच्छा की कि एक ठाकुर जी का एक विशाल भव्य मंदिर हो और उसमें साक्षात श्री हरि विराजमान हो। इच्छा की और भगवान का सुंदर तरीके से जब भजन किया तो भगवान की प्रेरणा से वहाँ पर विश्वकर्मा जी प्रकट हो गए और विश्वकर्मा जी ने कहा, हे राजन, आप चिंता ना कीजिए, मैं यहाँ पर बहुत सुंदर भगवान की कृपा से एक मंदिर बनाऊंगा। और उन्होंने वो मंदिर बनाया जो कि आप सब उसकी महिमा जानते हैं। उस मंदिर को किसी साधारण मनुष्य ने नहीं बनाया, ये विश्वकर्मा जी ने और उनके सेवकों ने बनाया। और ये कलयुग में नहीं बना, ये सतयुग में, और हो सकता है पुराने कल्पों में बना हुआ हो। तो गुंडीचा महारानी ने कहा कि यहाँ पर इतना भव्य जो ये मंदिर बना है, ये साक्षात विश्वकर्मा जी और देवताओं ने बनाया है, तो इधर हम क्यों ना ऐसे ठाकुर जी को विराजमान करें जो देवताओं के भी जो भगवान है ब्रह्मा जी, वो आकर के भगवान का प्राण प्रतिष्ठापित करें तो उसका आनंद जो है अत्यंत बढ़कर होगा। ये सोच करके दोनों भजनशील थे और इतना ज़्यादा भजन में इनको अष्ट सिद्धियाँ भी मिल चुकी थी, ये पृथ्वी लोक को त्याग करके कहीं पर भी विचरण कर सकते थे, ये ब्रह्मलोक चले गए। और ब्रह्मलोक का जो समय है हमारे यहाँ के समय से बहुत कम, जैसे आपने श्री कृष्ण भगवान की लीलाएं श्रवण की हैं उसमें भगवान श्री कृष्ण जब ग्वाल बालों के साथ खेल रहे थे तो ब्रह्मा जी ने ग्वाल बालों को चुराया और बछड़े चुराए और ब्रह्मा जी चुरा करके सिर्फ ब्रह्मलोक में जाकर के वापस आए ही थे, यहाँ पर पूरा एक वर्ष व्यतीत हो गया था। तो देखिए, ब्रह्मलोक में एक कल्प, महाराज जी से कई बार हमने श्रवण किया, एक कल्प का मतलब होता है ब्रह्मा जी का एक दिन, और उसमें एक कल्प में कितने मनु आ जाते हैं, वो 14 मनु आ जाते हैं। और एक मनमंतर, मनु का जो एक राजकाल है वह 71 चतुर्युग है, 71 चतुर्युग एक मनु। चतुर्युग मतलब होता है जिसमें कलयुग, द्वापर, त्रेता और सतयुग, ये एक जो है महायुग कहलाता है। इस प्रकार से 71 बार जब चले जाते हैं तो ये मनु का 71 बार जब ऐसा हो जाता है तो उसका पूरा जीवन 100 वर्ष व्यतीत हो जाता है। इस प्रकार से जब 71 बार मनु चले जाते हैं तो एक कल्प अर्थात एक दिन ब्रह्मा का, इतनी बड़ी रात्रि ही जो है वो ब्रह्मा जी की होती है। तो यहाँ पर बहुत सुंदर मंदिर निर्माण हो गया और इंद्रद्युम्न महाराज और ये कहाँ चले हैं, गुंडीचा महारानी ब्रह्मलोक चले गए। और ब्रह्मा जी के यहाँ पर जब गए तो यहाँ पर तो इतना समय व्यतीत हो गया कि यहाँ उनके जो वंशज थे वो भी चले गए, वो भी मृत्यु को प्राप्त हो गए और वो वहाँ पर ब्रह्मा जी का
अभी वो किसी कार्य में संलग्न थे, वहाँ से आए नहीं थे, उनके इंतजार में इतना समय व्यतीत हो गया कि वो वापस पृथ्वी पर ना करके उनका इंतजार ही करते रहे। और यहाँ पर क्या हुआ, वहाँ कितने युग बीत गए पृथ्वी लोक पर, कितने ही युग बीत गए, और वो मंदिर जो इतना भव्य मंदिर बना हुआ है उसमें समुद्र के जो पास जो रेत होती है, बालू होती है, वो पूरी चढ़ के टीला बन गया। और यहाँ पर जब ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी को उन्होंने प्रणाम किया, उन्होंने कहा हम चाहते हैं कि आपके कर कमलों से हमारे मंदिर में ठाकुर जी विराजमान हो और उनको प्राण प्रतिष्ठापित भी आप करें। यह सुन के ब्रह्मा जी बड़े गदगद हुए, परंतु उन्होंने कहा कितना समय हो गया, अभी हमें मात्र आधा घंटा हुआ, आधा घंटा पृथ्वी लोक के तो कई युग बीत गए होंगे, अब तुम क्या करोगे, जाके यहीं रहो। नहीं नहीं, हमें जाना है, हमने मंदिर बहुत सुंदर तरीके से बनवाया है और आपसे प्रार्थना है आप कृपा करके वहाँ पर ठाकुर जी विराजमान कीजिए। तो ठीक है, तुम चलो, भगवान से प्रार्थना करता हूँ कुछ व्यवस्था बनाएंगे और निश्चित तौर से आपके मंदिर में ठाकुर जी आएंगे। ये आशीर्वाद प्राप्त करके दोनों जो है आए हैं पृथ्वी पर, इंद्रधनुष और गुंडीचा महारानी। यहाँ पर आकर देखा कि यहाँ कोई मंदिर ही नहीं, और वहाँ पर अन्य जो भक्ति करता नहीं था ऐसा राजा यहाँ पर विराजमान था। उसको देख करके इंद्रधनुष जो राजा थे, क्षत्रिय थे, उनको बड़ा बुरा लगा कि मैंने प्रजा को भक्ति सिखाई और यहाँ पर सब जो है उल्टा पुल्टा हो गया, कोई भी व्यक्ति भक्ति की ओर देख नहीं रहा है और ये राजा भी उल्टा पुल्टा करता है। राजा को जाकर ललकारा इंद्रधनुष महाराज ने कि तुम ये क्या करते हो, कुछ भक्ति कार्य नहीं करते हो, और यहाँ पर मैंने मंदिर बनाया था वो कहाँ गया। तो उनको ऐसा लगा कि इस राजा ने जो भक्ति नहीं करता है इसने उसको खंड खंड कर दिया। ये देख के इंद्रधनुष महाराज को जो है बड़ा क्रोध आया और उस राजा पर चढ़ाई कर दी। राजा पर जब चढ़ाई करी तो वो तो इनके यश से, इनके बल से थर थर कांप उठा और वो वहां से भाग खड़ा हुआ। इनके रथ का कुछ पहिया, एक चोटी जो भगवान श्री जगन्नाथ जी के मंदिर की जो चोटी है वो बालू के नीचे दबी हुई है, वो जाके रथ के पहिए से टकराई। तो ये रुके कि आगे क्यों नहीं हिल रहा, ऐसा क्या वस्तु है, मेरे रथ से तो पत्थर भी चूर्ण विचूर्ण हो जाते हैं, लेकिन ये चोटी जो है ये किस चीज की है। उतरकर जब देखा तो बड़े प्रसन्न हुए, उनका हृदय आनंदित हुआ, देखा ये तो ठाकुर जी के मंदिर की जो चोटी है, बालू की खुदाई की गई तो वहां पर ये विशाल मंदिर पुनः प्रकट हो गया। बोलो जगन्नाथ भगवान की। उसके बाद अब ये सोचने लगे कब ब्रह्मा जी आएंगे, कब यहाँ पर ठाकुर जी विराजमान हो गए, सोचते रहे। और सुंदर तरीके से पुनः जिस प्रकार से पहले वो भक्ति किया करते थे और प्रजा को लगाते थे, पुनः इन्होंने सबको भक्ति में लगाना प्रारंभ किया। कुछ भक्ति करने वाले लोग जैसे महाराज हैं, गुरुदेव हैं, वो इधर से उधर जाते हैं, कभी किसी तीर्थ में, कभी किसी धाम में। ऐसे साधु उनके जो राजधानी है वहाँ धर्मशाला होती है, धर्मशाला में यात्री आकर के बैठा करते और बैठ करके नील माधव भगवान की बड़ी सुंदर तरीके से चर्चा किया करते। आप सब जो उड़ीसा गए हैं शायद आप सबने दर्शन किए होंगे नील माधव भगवान की। बोलो नील माधव भगवान की जय। तो उनका दर्शन कर करके आते थे और वहाँ पर धर्मशाला में जब चर्चा हुई कि नील माधव भगवान की विग्रह जैसा कोई विग्रह नहीं संसार में, ऐसा सुंदर दर्शन हम करके आ रहे हैं, ये इतना यश फैला नील माधव भगवान का, और नील माधव भगवान के बारे में कोई जानता नहीं। बहुत पहुंचे पहुंचे सिद्ध यात्रीगण, बहुत पहुंचे पहुंचे भक्त लोग ही जान पाते थे। तो उनकी चर्चा सुनते सुनते कहाँ पहुंची, राजा के कानों में पड़ी कि कोई नील माधव भगवान है, उनका दर्शन करना चाहिए। तो जब उन्होंने सुना तो उन्होंने सोचा मेरे मंदिर में नील माधव भगवान को ही होना चाहिए, और ये नील माधव है कहाँ। चारों दिशाओं में सेना को भेजा लेकिन कहीं पर भी नील माधव का पता नहीं चल पाया। क्यों नहीं पता चल पाया, नील माधव स्थान पर जो गए होंगे वो देखा होगा पहाड़ी है और पीछे उसके महानदी, और पहाड़ी के ऊपर जाकर के वो सुंदर नील माधव भगवान का मंदिर है। नील माधव कौन है, नील माधव माँ बोले तो लक्ष्मी, जो लक्ष्मी को धारण करे वह माधव, वो हरि कृष्ण वही है, नीलवर्ण के हिस्से नील माधव कहा जाता है। तो नील माधव मंदिर का दर्शन हर कोई इसलिए नहीं कर पाता था क्योंकि
वहाँ पर ब्रह्मा जी के द्वारा ही वो प्रतिष्ठापित हुए थे। नीलमाधव भगवान की जय। और उनकी सेवा करने के लिए एकमात्र ऐसे श्रद्धालु भक्त को उन्होंने आदेश किया था, वो ब्राह्मण नहीं था, वो भील जाति का था, शूद्र था, उसका नाम था विश्वावसु। विश्वावसु बड़ा श्रद्धालु भक्त, और वह सुबह जाता सुगंधी पुष्प इत्यादि लेकर के माला गूंथता हुआ, और वहाँ जाकर गुपचुप तरीके से किसी को बताता नहीं था, और नीलमाधव जी की सुंदर तरीके से पुष्पों से और श्रृंगार करके चंदन लगा करके और फल प्रदान करके शाम को लौट कर आता, और भगवान की सेवा करने से जो भगवान की सुगंध है वो उस भक्त में भी आ जाती और उसको लेकर के आता। तो इस प्रकार से नीलमाधव का यश जब इंद्रद्युम्न महाराज ने सुना तो उन्होंने चारों दिशाओं में जब सेना दौड़ाई तो भी नहीं पता चल पाया। तो उनके यहाँ पर एक ब्राह्मण थे जो कि बहुत ही अच्छी तरीके से हर प्रकार से युक्तिपूर्ण तरीके से राजन को संतुष्ट किया करते थे, वो सेनापति का भी कार्य करते थे। तो उनको कहा कि तुम जाकर के पता लगाओ। उन्होंने बोला महाराज मैं पता लगाऊंगा। उनका नाम था विद्यापति। विद्यापति चले हैं और चलते चलते नीलमाधव से करीब 3-4 किलोमीटर पहले एक गांव में जो कि विश्वावसु का ही गांव था उधर जाकर के रात्रि हुई तो ठहर गए हैं। किसी से पूछा यहाँ पर कोई ब्राह्मण हो, ब्राह्मण नहीं तो कोई ऐसा श्रद्धालु भक्त हो जहाँ रात्रि हम ठहर सकें। तो किसी ने कहा अभी संध्या हुई है, वहाँ विश्वावसु जी हैं, हमारे सबके मुखिया हैं, इस गाँव के मुखिया हैं, आप उनके यहाँ चले जाइए। वहाँ पर वो गए विद्यापति जी। तो वहाँ पर अभी विश्वावसु नीलमाधव से आए नहीं थे, अभी यहाँ उनकी बेटी थी जिसका नाम था ललिता। ललिता से पूछा कि हम यहाँ रात्रि में ठहर सकते हैं? तो ललिता ने कहा आप ठहर तो सकते हैं परंतु अभी मेरे पिताजी यहाँ नहीं हैं, थोड़ा सा आप बाहर ही इंतजार कीजिए, अभी थोड़ी देर में आने वाले हैं, वो आपकी पूर्ण व्यवस्था कर देंगे। तो वहाँ ठहर गए और जब विश्वावसु आए तो विद्यापति ने उनका जब दर्शन किया और उनके जब समक्ष गए तो ऐसी सुगंधी उन्होंने जब सूंघी तो उनको ऐसा अनुभव हुआ कि ये कोई साधारण पुरुष नहीं है, ये महान ठाकुर जी का ही कुछ ना कुछ सेवा करके आ रहे हैं, इतनी सुंदर इनमें से सुगंध आ रही है। तब उन्होंने पूछा कि आप कहाँ से आ रहे हैं प्रभु? उन्होंने बताया कि नहीं मैं तो किसी काम से गया था अन्यत्र, कुछ नहीं बताया क्योंकि बड़ी गुपचुप तरीके से उनको जो है आदेश मिला था उनकी सेवा करने के लिए। समय बीता, वहाँ ठहरने लगे, 2-4 दिन रहे, उसके बाद वो रोज़ सुबह सुबह जाते और ये घर पर रहते। तब ये उन ललिता से पूछते क्या बात है तुम्हारे पिताजी कहाँ जाते हैं? तो उसने बताया नीलमाधव जी की सेवा करने के लिए जाते हैं, तो मैं भी जाने का इच्छुक हूँ। ठीक है आज पिताजी आएंगे तो मैं उनसे कह दूँगी कि तुम भी उनके साथ चले जाना। अब ये ललिता के प्रेम में ऐसे हो गए कि उन्होंने विश्वावसु से इनका हाथ मांग लिया, दोनों का विवाह कर दिया। और उसके बाद जब ललिता ने अपने पिता से आज्ञा मांगी कि ये जाना चाहते हैं नीलमाधव, उनका दर्शन करना चाहते हैं तो आप उनको ले जाएं, तो उन्होंने मना कर दिया। मतलब ठीक है आप यदि नहीं ले जाएंगे तो मैं अपने प्राणों की आहुति दे दूंगी। अरे तुम ऐसा क्यों कहती हो? अच्छा एक काम करते हैं, इनका विद्यापति की आंखों में पट्टी बांध करके मैं ले जाऊंगा और मैं जो है जाकर के इनको वहां जाकर पट्टी खोल दूंगा, नीलमाधव के दर्शन करा करके इनको पुनः ले आऊंगा। ये सुनकर के बड़ी प्रसन्न हुई ललिता और विद्यापति को जब बताया था विद्यापति भी प्रसन्न हुए। तो इस प्रकार से अब क्या है, इसने जो कार्य राजा का करना था ये बात किसी को नहीं बताई वहां पर, और अपने हाथों में सरसों के दाने ले लिए, आंखों में पट्टी बांध दी गई और इनको बैलगाड़ी में बिठा करके विश्वावसु लेकर गए हैं नीलमाधव। और ये क्या कर रहे हैं पीछे बैठे बैठे? ये हरे कृष्णा नहीं कर रहे हैं, ये दाने डाल रहे हैं। बोलो हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम। ये क्या कर रहे हैं? पीछे दाने डालते जा रहे हैं सरसों के, क्योंकि अभी गर्मी है, आगे बरसात का समय आएगा तो बारिश होगी, और बारिश होने से क्या होगा, सरसों के बीज अंकुरित होंगे और पीली पीली सरसों पूरी पगडंडी में नजर आ जाएगी, तो रास्ता में पहचान लूंगा बाद में। ये युक्ति लड़ाई बहुत तेज थे।
अब हुआ क्या वहां जाकर के विश्वावसु को तो पता नहीं, बड़े सरल थे श्रद्धालु, बस दो मंडल महाराज। तो उसके बाद ये पहुंचे वहां जाकर के पट्टी खोली, ठाकुर जी के दर्शन किए और ये बड़े गदगद बहुत अच्छे से प्रणाम किया। ये मैं थोड़ा शॉर्ट में सुना रहा हूँ, बहुत बीच में छूट जाएगी, फिर सुनेंगे महाराज जी की आज। उसके बाद ये आकर के इन्होंने कहा अब मुझे विदा दीजिए, और ये जाकर के राजा के पास पहुँचे। राजा मुझे पता चल गया है कहाँ है नील माधव, चलिए। अब राजा ने क्या गलती की, वैसे तो बड़े क्षत्रिय थे, बलशाली थे, सेना को साथ ले चले। अब सेना को साथ ले चले तो वहाँ कुछ ग्रामवासी थे सब घबरा गए, ये राजा कैसे आ गए। और विद्यापति को देख करके विश्वावसु को जो है जान में जान आई, उन्होंने कहा कि ये क्या है। तभी राजा ने सबको बंधन में ले लिया और विश्वावसु को भी बांध लिया। तब उन्होंने कहा कि मैं मंदिर नहीं बताऊंगा। इंद्रधनु ने पूछा मंदिर बताओ, तो विश्वावसु ने मना कर दिया। तब विद्यापति ने कहा इनको आप दंड ना दीजिए, मुझे पता है रास्ता, आप आइए। और वहाँ जाकर देखा तो सरसों का जो है वहाँ पौधे लगे हुए थे, पीली पीली सरसों, उससे रास्ता पता चला। नील माधव में जाकर के जब ये पहुँचे इंद्रधनु महाराज, और जैसे ही जाकर के उनका दर्शन करने के लिए गए तो नील माधव महाराज बड़े शर्मीले हैं, बड़े हठीले हैं, एकदम से अंतर्धान हो गए। बोलो नील माधव भगवान की जय। अब तो इंद्रधनु महाराज बड़े पछताए, रोने लगे, विश्वावसु से कहने लगे ये क्या हुआ। तब विद्यापति ने कहा इनको छोड़ दीजिए, इनकी कोई गलती नहीं। वापस आकर के इंद्रधनु महाराज आए हैं और अंतर्धान होते हुए नील माधव महाराज ने आकाशवाणी करी, हे राजन तुम चिंता ना करो, तुम्हारे मंदिर के पास जो है चक्रतीर्थ, जो आप देखा होगा हमारे मठ के बिल्कुल पास है, वहां पर तीन लट्ठे आएंगे, बड़े बड़े नीम के पेड़ के लट्ठे, उनसे जगन्नाथ बलदेव और सुभद्रा का विग्रह बनेगा, आप जाओ और वहां पर हम फिर आएंगे। ये कहकर नील माधव वहां से अपर हुए। यहाँ पर थोड़ा ही समय बाद नील माधव की जो आकाशवाणी हुई थी, वही लट्ठे जो है समुद्र में आए महानदी से होते हुए, और वहाँ पर जो चक्रतीर्थ जगह है वहाँ पर आकर रुके। इंद्रधनु महाराज को पता चला लट्ठे आ चुके हैं, सेना को लेकर गए, हाथियों ऊँटों और सैनिकों को बोला जाओ लट्ठे उठा के लाओ, पर किसी ने टस से मस उनको किया। फिर बहुत बल लगा करके जो है लेकर आए और ला करके उनको मंदिर में रखा गया और लोगों को कहा गया इनका शिव विग्रह बनेगा, बनाइए। बड़े बड़े जो शिल्पीकार आए, लेकिन किसी की भी हथौड़ी और छैनी उसको जरा सा भी बाल बांका नहीं कर पाए। बहुत परेशान हैरान राजा ने सोचा क्या होगा। तभी वहाँ एक वृद्ध ब्राह्मण आए और कहा हे राजन आप चिंता ना करो, इनका जो है प्राकट्य भगवान की प्रेरणा से शायद मैं कर पाऊँ, आप चिंता ना करो मैं करूँगा। उसके बाद कहा कैसे करोगे, इतने बलशाली शिल्पीकार तो कर ना सके, आप कैसे करोगे, आप चिंता ना करो, मुझे एक कमरे में ये तीनों लट्ठे दे दो और कोई भी अंदर ना आने पाए, कोई भी आपके खिड़की झरोखा जो है अंदर को झाके ना। और उन्होंने ऐसे ही आदेश पालन किया, उन्होंने टक 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 की आवाज़ करते रहे, रोज सुनते राजा और रानी, और वो सोच रहे हाँ काम चल रहा है, बड़े प्रसन्न होते, लेकिन सोचते खाने पीने का कैसे कर रहे होंगे ब्राह्मण देव। फिर भी उन्होंने कहा था अगर कोई भी अंदर आया तो मैं छोड़ के चला जाऊंगा। समय बीता, 21 दिन बाद टक टक की आवाज़ बंद हुई और राजा और रानी को चिंता हुई कि ब्राह्मण जो है वृद्ध थे, बूढ़े थे, कहीं ऐसा ना हो चले गए हों, चलो खोल कर देखते हैं। टक टक की आवाज़ बंद हुई, उसको जबरदस्त जैसे ही खोला गया, ब्राह्मण देव ने कहा तुम जो है एकदम से आ गए हो और मैं जा रहा हूँ। तभी देखा कि ठाकुर जी के जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा है, ये श्री विग्रह जो प्रकट थे। बोलो जगन्नाथ भगवान की जय, बलदेव भगवान की जय, सुभद्रा देवी की जय, सुदर्शन चक्र की जय। और कहा ये पूर्ण है, आप चिंता नहीं करो, ये पूर्ण हो गए थे इसीलिए टक टक की आवाज बंद हो गई थी। आप ये वही भगवान है जो द्वारिका में रानियों ने और नारद जी ने इनका दर्शन किया था। ठीक है, अभी समय बहुत हो चला है, आज के लिए धन्यवाद। बोल हरे कृष्णा हरे कृष्णा बोलो मैडम कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा
इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं वहाँ पर भगवान मंदिर अच्छे जगन्नाथ मंदिर बने। इसलिए देखो कृष्णा ध्यान देकर कृष्णा उद्धव जी को कहने वाले उद्धव अगर मेरे कहीं मंदिर बनता है एक ईट भी अगर उसमें कोई दे देता कृष्ण स्वयं कहते उसके लिए मैं गोलक वृंदावन में आज नहीं रखना ये कृष्णा स्वयं की बात करता है। इसलिए हम चाहते हैं आप लोग कुछ अगर सामान दोगे कोई ईट दे देना कोई वज्र कुछ दे देना हमारे मित्र प्रभु है यहाँ पर मित्र प्रभु तो बोल दिया मंदिर के लिए जितना ईट होगा सारी ईट मिल देते आप लोग जितने संभव है आप लोग हम आपका कपट कपासी से ज्यादा नहीं है जितने संभव कोई तरह सीमेंट दे दो कुछ ना कुछ अगर दे दोगे यहाँ पर जितना दोगे ना ऊपर जाओगे तो सब लिखा हुआ मिलेगा सब लिखा हुआ मिलेगा आपने भगवान मंदिर के लिए गिर दिया है ठाकुर जी के मंदिर में बहुत कृष्णा इतने महिमा गाते हैं मेरे मंदिर के लिए बहुत मदद करता है। इसलिए जितना हो सके आप करना और ये काम करना हो सके तो आपका जो रिश्तेदार है जो कृष्ण स्वयं कहते हैं जो दूसरों को द्वारा कराते हैं वो जो करेगा उसका आधा पुण्य कराने वालों को बल मिलेगा। अगर किसी आपने बोल करके उत्साहित करके मंदिर के लिए कुछ करवाया वो व्यक्ति जो करेगा उसका आधा पुण्य आपको मिल जाएगी कितने। इसलिए आप जो करना हो सके हमारे परिवार मंदिर में कहीं दूर में जो व्यक्ति रहेंगे उनसे भी आप लोग करवा सकते हो भगवान के मंदिर के लिए क्योंकि देखो यहाँ पर भगवान के मंदिर जैसे यहाँ पर देखा है ना आप पता यहाँ पर देखा जैसे भगवान का कीर्तन भगवान की कथा हो रही है ठाकुर का नाम कितने लोगों का कल्याण कृष्ण खुद कहते हैं एक व्यक्ति को जो प्रभु का भजन में एक व्यक्ति को भी प्रभु का भजन में लगा दे अगर करोड़ों करोड़ हॉस्पिटल करोड़ों करोड़ स्कूल कॉलेज खोलने से भी ज्यादा एक व्यक्ति को अगर आप भजन में लगा दे और कितने लोग आकर के उस दिन में भगवान के भजन करेंगे जो भजन करेंगे जो कुछ कुछ मदद किया होगा सारे पुण्य आपको बैठ बैठ कर मिलेगा। आज ऊपर जाकर जो काफी खोलेंगे जब महाराज चित्र लिखते हैं ना वो भी क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे अगर भगवान की मंदिर के लिए दिया होगा ना अगर ऊपर जाओगे तो सारे पाप को भगवान खत्म कर देंगे बोले उसने मेरे मंदिर के लिए ये मदद किया है और अपना भगवान के धाम में निवास करेंगे ठीक है। इसलिए आप लोग कोशिश करना जितने हो सके मंदिर के लिए बढ़ चढ़ करके कराने के ठीक आप लोग जाओ प्रसाद देने सबके सब प्रसाद लेकर केवल कहाँ से आए कौन लाया अरे पार्वत से कौन लाया उनकी बहन लाई होगी क्या माता जी क्या नाम क्या बोलो नाम बोल दिया निधि 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 कौन अनिता जी ने पार्वत से क्या लेकर क्या केवल भी लेकर क्या अभी कभी ठाकुर जी कृपा करें आशीर्वाद हरे कृष्णा। हाँ एक बात और सुनिएगा अभी ये जो आप महीने के मंदिर की सेवा दे रहे थे लॉकडाउन के चलते हम लोगों ने ज्यादा इसमें आप लोगों की कहानी क्योंकि सबकी जो है कमाई का स्रोत जरूर किया था। मेरा निवेदन है आप सब जो है मंथली जो भी कुछ देना चाहे हमारे प्रधानमंत्री जी को रसीद कटा सकते हैं 500 रुपया 1000 1500 महीने में ये घर घर में भी आते हैं और रसीद में आप मंदिर में भी आप कटा सकते हैं ठीक है धन्यवाद।